सर सेंटर पहले सर सामने सर सेंटर सामने वन मोर स्ट्रेट लुक दिस कैमरा शिवम सर मैम लोग यस शिवम जी वो भाई लोग लुक सेंटर रेडी फोन ही लोग लुक स्ट्रेट मैम लुक मैम वन मोर सेंटर मैम सेंटर लुक शिवम सर सामने सामने यहाँ पे हेमंत सर सामने यहाँ पे ये कैमरा शिवम सर सामने शिवम सर तो सही रहता है बट एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर हो सो एक्चुअली आई एंजॉयड माय वर्क और काम करके काफी अच्छा लगा और स्पेशली आई वांटेड टू थैंक्स माय प्रोड्यूसर मिस्टर गणेश ही इज द फर्स्ट मॉरिशन पीपल दिस इज अ वेरी प्राउड फॉर अस एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाहर भी लोग बॉलीवुड से इतने इंप्रेस्ड हैं कि वो बॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं और ही इज द फर्स्ट मॉरिशन पीपल हु डिड दिस फिल्म मिस्टर गणेश थैंक यू सो मच यू आर माई फ्रेंड यू आर माई ब्रदर एंड यू आर माई प्रोड्यूसर बॉसी सो एंड सेकेंड आई वॉन्टेड टू थैंक्स माई एंटायर टीम हेमंत पांडे सर I love you. You support me a lot. Sophiya ji के बारे में मैं बता दूं कि Sophiya ji दीवा मिस इंडिया 2015 भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में एंड एज एन डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी कृतिका मिश्रा जी जो सेकेंड गर्ल है हमारी फिल्म में वो किन्हीं कारण से आ नहीं पाई क्योंकि दिल्ली में शूट चालू है उनका और राहुल देव जी भी नहीं आ पाए बिकॉज वो बेंगलोर में शूट कर रहे हैं सो काफी अच्छा लगा आप सबके साथ काम करके एज एन डायरेक्टर एज एन एक्टर रियली थैंक्स अलॉट एंड आई वॉन्टेड टू थैंक्स स्पेशली मिस्टर अनिल नागराज जी हु इज द सेक्रेटरी ऑफ इम्पा एंड ही इज माई वेरी ओल्डेस्ट फ्रेंड नॉट दैट काइंड ऑफ सो थैंक यू थैंक्स अलॉट माई ऑल कलीग्स माई फ्रेंड्स एंड माई मीडिया पार्टनर्स एंड थैंक्स गिरीश भाई गिरीश वानखेड़े जी जो हमारी फिल्म के मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं थैंक्स अलॉट गिरीश भाई एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच गिरीश कैन वी हैव यू हियर प्लीज सर हेमंत सर शिवम सर ये चलो ना बॉलीवुड ऑल ऑफ यू सेंटर यार देख ऑल ऑफ यू सेंटर लुक सेंटर यार सर यहां पे उनका ट्रेलर देखा होगा हमारी फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है जो आप लोगों को भी डेफिनेटली पसंद आया होगा और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है मिस्टर परिवेश और इन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया
और गानों को बहुत अच्छा कोरियोग्राफी दिया है मिस्टर किरण गिरी जी ने. लव यू ब्रो, थैंक्स अ लॉट. आप लोगों का, आप लोगों ने दिल से काम किया, जो मैंने चाहा वो आप लोगों ने दिया. थैंक्स अ लॉट. सेंटर या एक्चुअली फ्रेंकली आई टेल यू शिवम सर सेंटर में आ जाइए ना. मैं नो डाउट अब्बास सर, अब्बास मस्तान जी बहुत सीनियर हैं. इनफैक्ट मैं किसी एक का नाम लूंगा तो मेरे लिए थोड़ा कुछ ज्यादा ये हो जाएगा. तो मैं सभी फिल्म मेकरों से इंस्पायर्ड, मतलब काफी मैं प्रभावित हुआ हूँ मैं. सो जो चीज अच्छी होती है सर वो ले लेता हूँ मैं सबसे. और फिल्म का नाम 22 डेज रखने की कोई खास वजह, ऐसे क्या बात है कि जब 22 दिनों में कहानी समेट रहे हैं आप? सर एक्चुअली ये 22 दिन में कहानी समेट नहीं रहे, 22 दिन के बाद कहानी शुरू हुई है. सो ये जिंदगी के लेयर्स हैं सर. 22 डेज इज अ लेयर. हमारी जिंदगी में कैसे एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आता है, तीसरा लेयर आता है. इट्स नॉट क्वेश्चन अबाउट द 22 डेज. इट्स अ लाइफ, यू नो, ये लेयर है लाइफ के जो जो स्टेप बाय स्टेप चलते गए और कोइंसिडेंसली ये 22 डेज के अंदर हो गए. गणेश जी वेलकम टू बॉलीवुड. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहले फिल्म मेकिंग का? बॉलीवुड के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, जब बॉलीवुड का हिस्सा बने तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ कैसा अनुभव रहा? Bollywood creates always surprises, and surprises can be good, can be bad, but I'm lucky to have beautiful surprises, and I enjoy working with the team. I can tell you I had a good team, and I have given maximum to them in Mauritius. Hope we will work together again for the movies. Aman ji, यहाँ आपको विशेष रूप से धन्यवाद कहा गया, तो क्या कुछ सहयोग दिया था अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? और कुछ नहीं, हम आशीर्वाद देने वाली स्थिति में थे और हैं. और क्या होता है कि नए लोगों में अभी भी मुझे बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही मार्ग बचा हुआ है. अगर कुछ आपको नया करना है तो नए लोगों के साथ काम करने में आपको मजा आता है, इंटरेस्ट बना रहता है, और आपका जो एक जगह आप ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो रुकने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं. नए लोगों के साथ काम करना मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ तो उनका अनुभव आप सीखते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनका इंस्पिरेशन है, उनके आइडियाज हैं जो हमारे पास नहीं है. और ये हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए ये सत्य बात है कि आने वाली पीढ़ी, जो नया जनरेशन आएगी, वो पिछली से एक लेयर मजबूत आएगी, ज्यादा समझदार आएगी, ज्यादा सेंसिबल आएगी एक पहली पीढ़ी के मुकाबले, जो हमेशा की बात है. तो मुझे शिवम का जो इंस्पिरेशन था, मतलब उसका पीछे दूसरे तरीके से मैं कहूँ कि मैं कई बार अपने कुछ करता था, कुछ चीजें सीन में, शॉट में, तो एक हद तक वो एक लिमिट थी उन कैरेक्टर्स की और सिचुएशन की. तो ये आदमी अपने कुछ चीजें थी उन पे अड़ा रहा. कलाकार को तो कई बार दिक्कत होती है, अरे ऐसा क्या. तो लेकिन क्या होता है कि उसका इरादा मजबूत है, उसकी सोच मजबूत है, तो वो उसके लिए मैं इस व्यक्ति से इंस्पायर हुआ कि इसने, क्योंकि एक्टिंग और डायरेक्शन थोड़ा सा एक साथ बहुत टफ होता है. हम अगर शुरू करें तो मैं तो बहुत पहले ही बता दूं आपको, गलत पिक्चर बनाऊंगा. लेकिन वो अभिनय क्योंकि एकदम सादगी भरा था, वो और कट्टू अपने डायरेक्शन में आना, वो चीजें जो इंस्पायर करती हैं, जो आप में नहीं होती है. मुझे लगता है आप किसी से इंस्पायर तभी होते हैं, आकर्षित तभी होते हैं, प्रभावित तभी होते हैं, जब जो चीज आप में नहीं है या उसमें आपसे बेहतर उसमें आप पा रहे हैं, तो वो चीजें मुझे प्रभावित करने वाली थी. इसलिए मैंने कहा कि भाई हम तो कान में पानी की बाल्टी भी लेकर आने के लिए तैयार है. अच्छा, ये तो धन्यवाद.
happen on friendly basis. And when I met Shiivam, we clicked. And the correct went very nicely. And he told me, bro, let's do a movie. That's it. Being a businessman, doing a movie is a challenging job. And for businessmen, simply challenge. So I agree to take the challenge. Okay, which is your favorite Bollywood film? If I tell you, if you will laugh, it's been Ranab Joker. Okay. Shiivam, आपसे पूछना चाहूंगा डायरेक्शन देना और इसी फिल्म के अंदर लीड किरदार निभाना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, आपके लिए क्या ज्यादा चैलेंजिंग था? और उसके अलावा एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा, जब आप डायरेक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, राइटर आप हैं, लीड एक्टर आप हैं, आप अगर कुछ गलत करते हैं तो वो कौन देखता था कि यार ये वापस होना चाहिए? वंस मोर सर, एक्चुअली थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए थैंक्स। फ्रेंकली आई टेल यू, मैंने अपने करियर की शुरुआत डायरेक्शन से की थी। मैं काफ़ी सालों तक डायरेक्शन में काम किया, उसके बाद मैं एज एन एक्टर मैंने काफ़ी रीजनल फिल्म्स किए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के। मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा, अगर कोई मेरा खुद का क्रिटिक कोई है तो मैं खुद हूँ। मैं जब भी कैमरे के पीछे रहता था तो दूसरों के एक्टिंग पे ध्यान देता था, जब मैं खुद कैमरे के सामने रहता था तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, जब मैं आया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस समय स्टीम बैग पे एडिटिंग होती थी, निगेटिव पे फिल्में बनती थी, तो उस समय वो मॉनिटर वाला जमाना नहीं था। तो आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि आप जो शॉट दोगे उसके बाद आप मॉनिटर पे बैठ के आप अपना काम देख सकते हो। तो मुझे लगता था कितने ऐसे मैंने रिटेक्स करवाए हैं, थैंक्स टू हेमंत भैया, थैंक्स टू राहुल देव जी, थैंक्स टू सोफिया जी, थैंक्स टू कृतिका जी, कि मुझे लगा यार मैंने अच्छा नहीं किया, तो फिर वो दोबारा से रीशूट किए थे हम लोगों ने, रिटेक किए थे। तो ये है सर। ओके सोफिया, मुझे पता नहीं आपसे किसी ने ये बात कही नहीं है, कही है नहीं कही है, यू रिमाइंड मी, योर फेस रिमाइंड मी ऑफ सौरभ भास्कर। Okay, I don't know how you take it. Take it as a compliment. Some people say I look like Tanushree Dutta. Some people say different things. Might be, it's my point of view. कितना challenging रहा आपके लिए? और जब हम love making scene की बात करते हैं, बड़ी बंदिशें होती हैं कि ये करना है और या नहीं करना है, उसको लेके कुछ आपके दिल में कुछ झिझक वगैरह थी? और क्या director का brief ऐसा था, story demand कर रही थी, या क्योंकि commercial मसाला film है, क्योंकि करना ही है आपको? Obviously story demanding थी actually. और डिपेंड करता है हर किसी के कैरेक्टर के ऊपर, लाइक अगर आपका परसेप्शन डायरेक्टर के साथ एक्चुअली को एक्टर्स के साथ अच्छा है, तभी हम कोई फिल्म स्टार्ट करने से पहले हम वर्कशॉप्स रखवाते हैं ताकि आपका परसेप्शन आपके एक्टर के साथ अच्छा रहे। एक जो हेल्दी मीटिंग होती है जिसे आप कह सकते हो कि आप उनका कैरेक्टर जान सकते हो पर्सनली भी और बिना पर्सनली भी, सो इसलिए इजी रहता है। तभी कोई भी फिल्म स्टार्ट करने से पहले एक महीने पहले वर्कशॉप्स होती है जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में जाना जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले नहीं जानती थी ना ये मुझे पहले जानते थे, इसी वजह से हमारी पूरी टीम साथ बैठती थी कि आपके ये सीन्स होंगे, आप ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने होंगे, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको उतारा जाता है। एज कम्पेयर टू मैं अगर अपना कैरेक्टर कंपेयर करूँ किसी फिल्म से, तो अगर आपने फिल्म देखी होगी एतराज़ में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था, ये वही रोल है जो मैंने यहाँ पे अभी प्ले करा है। सो एज कम्पेयर टू अगर आप इंस्पिरेशन लेके चलो और एक कैरेक्टर साइज लेके चलो, बहुत डिफरेंट रोल होता है। तो शिवम इसका मतलब आप अक्षय कुमार हो जाएंगे अगर ये प्रियंका चोपड़ा था? अब जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कैरेक्टर सोफिया जी ने बड़ा अच्छा बोला, बट सिमिलर, बट सारे कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो लाइक अगर आपको वो शेड्स में देखना है प्रियंका चोपड़ा जी का जो एतराज में था, वो शेड्स हैं बट कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यार अक्षय जी, हैट्स ऑफ यार, थैंक यू सो मच, अगर मैं उनसे अपना कंपेरिजन कर सकूँ तो। Sophiya, you're playing a little grey shade in the film. Yes. And Rahul Dev is also playing a grey shade. Yes. Yes. So you're teaming up with Rahul Dev or with Shiivam? You need to see the film about that. Oh, that's that. A suspense. If you see the film, you're going to confuse that I'm with him, that I'm with Rahul, with our third person, fourth person, fifth person. You can get it at the end, not in the movie. And how easy or difficult Rahul was during the shoot? Really?
No, he was not at all difficult. He's very generous and very down to earth guy I ever met. Because he's not that person that, oh, he's a very big star or he's a very small star. But yes, he's very good as compared to the acting as well. If I was wrong, if any person was wrong, he was just straightforward. That, okay, you have tell her this wrong. You have, it's like this. He's very good human being. He's not that arrogant person ever. So it's very generous guy. Mauritius is a small island, and luckily we have contacts, and contacts make things work everywhere. And the way you ask, you can get. Anything you get, you ask politely, you will get. But you ask rudely, you will never get. Heroine, और दो उसके पीछे दो stand में खड़े हुए लोग. जो पूरे फिल्म को एक अपने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फिल्म को बांधे हुए हैं मिस्टर हेमंत पांडे जी मिस्टर राहुल देव जी. सो ये फिल्म एक सस्पेंस है लाइक जैसे टाइटल से पता चलता है व्हाट इज 22 डेज. तो ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा व्हाट इज 22 डेज. बट व्हाट एग्जैक्टली दिस टाइटल स्टैंड्स फॉर, किसी ने पहले भी पूछा था बट आई थिंक क्लैरिटी नहीं किया. टाइटल के पीछे भी वो सस्पेंस है जो आप फिल्म के रिलीज. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी ना सोचे कि टाइटल रख लेते 22 डेज तो रख लिया. ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके पीछे एक सस्पेंस और 22 डेज में ही ड्रामा है वो पूरी फिल्म में आपको दिखाई देगा. अच्छा शिवम, मैं बीच में आपसे पूछूंगा इसी सवाल इसी बात को आगे रखूंगा मैं. सॉरी क्योंकि 22 दिन अपने आप में इनफ है टाइटल है सर, तो उसको ट्रेलर में रख के मुझे नहीं लगता कि कुछ शब्द ही नहीं है 22 डेज. पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो पता चलेगा. ट्रेलर तो अभी एक पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर तो बाकी है. You're a very versatile actor. We have seen you in different characters. इस फिल्म में क्या कुछ नया आपने ऐड किया है जो हमने पहले नहीं देखा है आपके कैरेक्टर्स में? नियंत्रण इस पे दैट्स गुड. इस पे आशीर्वाद देने में नियंत्रण किस पे? जो कैरेक्टर की लिमिटेशंस हैं, उसके जो दायरे हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, उन पर नियंत्रण. मैसेज मिल गया सर. पूछा था कि यू वांटेड टू एक्ट इन द फिल्म एज वेल एज डायरेक्ट इट. एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू. फ्रेंकली आई टेल यू, जब मैं मिस्टर गणेश से मिला उस समय मैं कोई और स्टोरी लेके गया था और उसका मैं राइटर नहीं था, कॉन्सेप्ट किसी और का था. मैं लेके गया था, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है मॉरिशस में, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पे बस ऐसे डिस्कस चल रहा था, तो मैंने वो स्टोरी सुनाया. उस समय तक मेरे जहन में ये भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा या डायरेक्शन करूँगा, बी फ्रैंक. सो जब मैंने स्टोरी वो सुनाया तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं पैट्रियोटिक टाइप का आदमी हूँ, तो उसमें पाकिस्तान की बैंड बजा रहा था मैं स्टोरी में, वो एक्शन फिल्म थी. बट इनफैक्ट पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हर एक कंट्री का नहीं है. कुछ ऐसे कंट्रीज पॉलिटिकल कुछ ऐसे हैं जो उनके अच्छे संबंध हैं, तो यही हुआ मॉरिशस के साथ. तो थोड़ा सा वहाँ पे उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना कंट्रोवर्सी हो जाता, तो वहाँ पे मना हुआ. मैंने कहा ओके यार लेट्स गो. फिर बोले कोई और स्टोरी हो तो बताओ. अब ऑन द सडन कॉफी खत्म होने से पहले तक मी मिस्टर गणेश एंड आवर फ्रेंड मिस्टर दयाल बैठे हुए थे. सडनली एक आइडिया आया दिमाग में, मैंने सुना दिया और वो आइडिया एक बीज था जो आज पेड़ बन गया. देन उसके बाद मिस्टर गणेश टोल्ड मी कि यार पूछे, मतलब पहले ये जानते थे कि मैं डायरेक्शन में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, मैं एज एन एक्टर भी मैंने काम किया. तो इन्होंने बोला, सब लोगों ने बोला कि यार डायरेक्टर कौन होगा हम लोग, तो ही टोल्ड मी ओके यू डायरेक्ट इफ यू वॉन्ट यू डायरेक्ट इट्स ओके. सो यहाँ से ये कारवा चला. Also, Sophiya, one question for you. I mean, when you heard the script for the first time, you knew the character was a little bit old. How did you relate to it and you wanted to do this film? Kya kuch second thoughts the aapke dimag mein? Yeah, it took time to realize that what is the character is all about. It seriously took time. You know, a week of time that I have
would take it. A week of time that I have taken about each and every perception. I still remember that I, every time I call, what is the next scene, like, which is the next scene, each and everything. Yes, it was very difficult. See, every character has her different perceptions. You need to play a beggar role, you need to play a bold role, you need to play a businesswoman or anything else, a monkey or whatever you want to do. If you are a good actor, you can do any character, to be very honest. If you are a good actor, if you know how to act each and every things, you can go with any acting. If there is a good actor, if you say just act like a monkey, he can do or she can do. So it's not about that I think that there is a different role. Yes, first time I think about that there is some bold scenes and all. But when we had conversations with each other, it was quite comfortable. So it's not that ki main kiske saath role play kar rahi hai now. So this is like quite challenging, but we played it very well, actually. So it's not like that I am just entering into this industry. There are so many big actresses who are doing different roles with different people beyond their age as well. If they are making a love-making scenes, not compared to his or her level, they are making the love-making scenes as compared to the bigger level as well. There are so many actresses jinhone apne saath ki age ka nahi scenes kare hain, unke saath bade age ke bandon ke saath jinhone scenes kare hain. So that called the challenge, you know. Thank you. जो नंबर जिन नंबरों पे टाइटल जिन फिल्मों की हैं, मोस्टली दो एक तो मुझे याद आ रही है जो हमेशा हिट रही, 36 घंटे. थैंक यू सर. वो सात दिन. थैंक यू सर. सर थैंक यू सो मच सर. 100 डेज. सर मैंने ध्यान नहीं दिया पर आपने बोला इसलिए एक्साइटेड हो गया. थैंक यू सर. सर एक्चुअली फ्रेंकली आई टेल यू, जब मैंने 22 डेज मैंने सोचा तो उस समय रियल में मेरे दिमाग में नहीं था. मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि यार वो 100 डेज भी फिल्म आई थी. मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ मेरे दिमाग में नहीं था सर. बट बाद में मुझे लगा हाँ यार 100 डेज भी फिल्म आई थी, तो अभी ये हो गया सर. सोफिया मेरा सवाल आपसे है. सब लोगों ने सुपर बोला. मैंने नोटिस नहीं करा. नहीं मेरी बात हुई, सब लोगों ने सुपर बोला और आप लोगों ने भी तो देखा. आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सुपर, सब लोगों ने बोला सॉलिड है, सुपर हिट है. अब वो जनता बताएगी. एक्चुअली that's good question. Actually, I'm playing a business tycoon. Mauritius ka ek business tycoon hai. To uske character ko mujhe play karna tha. To kafi kuch maine apne upar us character ko leke work out kiya tha. Let's see. Actually, jo mera character hai, jab aap film dekhoge tabhi pata chalega aapko. But as compared, I am the role I am playing, it's very bold and very, you can say, challenging role as well. एक ऐसा character जहाँ पे एक लड़की कैसी चीज़ों को change करती है, तो आप जब आप film देखोगे तब आपको पता चलेगा. Trailer देखने से ऐसा लगता है कि मेरे कितने अलग-अलग perceptions हैं characters को लेके, कि ये लड़की शायद इसकी girlfriend हो सकती है या वो कुछ भी हो सकते हैं. जब आप film देखोगे तब आपको पता चलेगा. ऑफ कोर्स जब मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो चार उंगली मेरे भी ऊपर उठती है. सो एक्चुअली काफ़ी टफ भी था और नहीं भी था, बिकॉज मुझे मेरी सारी टीम बहुत अच्छी मिली. सबने सपोर्ट किया, जो मैं चाहता था वो सबने अपना 100% दिया. और अगर आप बोले मेरे खुद के ऊपर, तो मैं जो कैमरे के सामने जो एक्ट करता था, मैं सिर्फ यही मेंटालिटी लेके चलता था कि शिवम यू आर डायरेक्टर ऑल्सो.
जो गलतियां हैं वो तुझे दोबारा से करनी है बिल्कुल विदाउट किसी उससे. सो स्क्रीन पे देखने के बाद, मॉनिटर पे देखने के बाद लगता था यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर दोबारा से हम लोग उसको रिटेक करते थे. स्प्लिट्सविला और एमटीवी के मैंने जितने भी शोज़ करे हैं एक्चुअली वो मैंने सब में ऑडिशंस लिए थे. मेरा मूवी में बॉलीवुड में आने का कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी. मैंने बहुत ब्रेक दिया. जो रियलिटी शोज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बॉलीवुड थिंग्स वो डिफरेंट होती हैं. आपको उसमें एक रोल प्ले करना पड़ता है और रियलिटी शो में आपको रियलिटी दिखानी पड़ती है कि आप क्या हो. बहुत टाइम का ब्रेक लिया था. किसी ने, बहुत लोगों ने बोला कि आप ट्राई क्यों नहीं करते. तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट की, मैंने एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की. पूरा ग्रूम करा अपने आप को. अगर आप मेरा रियलिटी शोज देखेंगे उसमें मैं डिफरेंट हूँ एज़ कम्पेयर टू मूवी में देखेंगे मैं डिफरेंट हूँ. तो हर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइफ में. बहुत मुश्किल था एक्चुअली. मैंने दोनों कैरेक्टर जो मेरी दोनों मेन लीड हीरोइन है, दोनों के कैरेक्टर के लिए मैंने काफ़ी ऑडिशंस किए बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. मैंने आई थिंक मोर देन 200 गर्ल्स का मैंने ऑडिशन लिया था और जब मैंने इनको देखा तो आई थिंक ऑडिशन से पहले ही मैंने इनको कन्फर्म कर दिया था क्योंकि मुझे मेरे कैरेक्टर में ये परफेक्ट बैठी थी. मैं इनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कभी पहले नहीं मिला था. फर्स्ट टाइम जब मैं मिला मुझे लगा यार यही मेरे कैरेक्टर है, यही मेरे फिल्म की कैरेक्टर है जेनी. सो फिर बाद में ऑडिशन लिया तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया तो और कॉन्फिडेंट डबल हो गया. सो ऐसा था. और बाकी और कैरेक्टर्स के लिए मैंने पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो मेरे फिल्म का कैरेक्टर है ओमतिनो जेपेरियो, उसके लिए राहुल देव सर ही रहेंगे. हमने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको नैरेट किया, उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो हमारे फिल्म के पार्ट हुए. सो सब मतलब कास्टिंग में थोड़ी सी मेहनत हुई थी दोनों लड़कियों को, दोनों हीरोइंस को, दोनों फीमेल लीड एक्टर को लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर वाइफ का कैरेक्टर इंडियन लुक लड़की चाहिए थी और एक कम्प्लीटली वेस्टर्न लुक चाहिए थी. तो हुआ. सर बेसिकली मैंने काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी रीजनल फिल्मों में मैंने लीड में काम किया हुआ है बट जब ये अभी यू कैन से ऑफ कोर्स यार थोड़ा बहुत तो लगता ही हूँ यार. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा 22 डेज एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण आफ्टर द शापित. आई थिंक 9-10 साल हो गए होंगे शापित को. तो आफ्टर द शापित उन्होंने किसी फिल्म में काम किया तो हमारी फिल्म में काम किया एज एन फ्रेंडली अपीयरेंस. वो आए, उन्होंने फिल्म में गाना भी गाया है और अपने गाने पे उन्होंने परफॉर्म भी किया. और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण, थैंक्स अलॉट एंड थैंक्स टू एंटायर माई टीम. 22 डेज आप लोग देखोगे, एक ब्यूटिफुल फिल्म है, ब्यूटिफुल लोकेशंस पे पिक्चराइज हुई है. सो आप लोगों को आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा लगेगा. थैंक यू. मॉरिशस की खूबसूरती थी और जिस कैमरे को किस तरह से आपने देखा, खुद ही आप ये बात देख रहे हैं तो वो जो लार्जर देन लाइफ वाली जो बात होती है सिनेमा के लिए, ग्रैंडियर दिख रहा था वो आकर्षण सबसे, क्योंकि सिनेमा छलावे की भाषा है, छलावे का फील्ड है, छलावे की दुनिया है. तो जो दिख दिख करके दृश्यों के माध्यम से हम दिखाते हैं तो वो एकदम सारे सीन अट्रैक्ट कर रहे थे. और ऐसे में चाहे वो लव मेकिंग सीन हो, चाहे वो बोट के सीन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सीन हो. देखिए इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है. मैं आपको बताऊँ, हम तो कलाकार हैं, हमें हमारा रोल समझ में आ गया और हमने हाँ बोल दिया तो हम उस पर उसी पे गोते खाए जा रहे हैं. लेकिन जो पूरी फिल्म को किस तरीके से प्रदर्शित करना दिखाना है, उसमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है,
मतलब किसी कोई तो हो सकता है रोमांस के भाव से ही जाएगा और पिक्चर का मजा लेके आ जाएगा, वो ऑप्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, तो मिश्रण है। और जो आपने मॉरिशस की खूबसूरती को देखा, वो लोकेशन, वो सीन्स, चाहे वो हॉर्स राइडिंग का उसका रेस कोर्स का सीन हो, मुझे लगता है रेस कोर्स वाला शूटिंग तो पहली बार हुई है, आज तक किसी को परमिशन भी नहीं, इजाज़त नहीं मिली, हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया। सर आपने क्या देखा इस फिल्म में, ऐसा क्या नयापन देखा, क्या यूनिकनेस देखा, दैट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ? The casting, because I had Shiivam, the new actor, he has been doing regional films, and then we had Simon Pandeji, Rahul Devji, and our artist, female artist, was fantastic. And you know, the new generation is aisa kind of junoon hai. We have to want to reach the top. And one thing I can tell you, after you watch the movie, it's an invitation for you all to visit Mauritius. And that's khubsurati se dikhaya. And sir, can we expect in future, is there a film mein support karegi government, kis tarah se unke plan? Bilkul. Support hoga. Aur we are not only doing in Mauritius, but we will visit also France in the future and Estonia. I'm flying to Estonia with the government of Estonian government. This way is underway. Okay, chalo, ye achhi baat khabar aapne di hai. कॉम्बो अगर आपको चाहिए, जैसा कि फिल्म में बात हो रही है, रोमांस भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, ब्यूटी भी है, ब्यूटी भी है, तो सारा एक कॉम्बो आपको अगर आप देखने को अगर चाहिए तो उसके लिए 22 डेज आप देखें। बाकी सिनेमा परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्म किया गया है हर चीज़, तो वो आप हॉल पे जाएंगे तो उसका आनंद और आएगा, छोटे स्क्रीन पे कम आएगा। धन्यवाद।